श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 7 श्लोक संख्या 27। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परं तप। हे भरतवंशी, हे शत्रु विजेता, समस्त जीव जन्म लेकर इच्छा तथा घृणा से उत्पन्न द्वंद्वों से मोहग्रस्त होकर मोह को प्राप्त होते हैं। तात्पर्य, जीव की स्वाभाविक स्थिति शुद्ध ज्ञान रूप परमेश्वर की अधीनता है। मोहवश जब मनुष्य इस शुद्ध ज्ञान से दूर हो जाता है तो वह माया के वशीभूत हो जाता है और भगवान को नहीं समझ पाता। यह माया इच्छा तथा घृणा के द्वंद्व रूप में प्रकट होती है। इसी इच्छा तथा घृणा के कारण मनुष्य परमेश्वर से तादाकार होना चाहता है और भगवान के रूप में कृष्ण से ईर्ष्या करता है, किंतु शुद्ध भक्त इच्छा तथा घृणा से मोहग्रस्त नहीं होते। अतः वे समझ सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण अपनी अंतरंगा शक्ति से प्रकट होते हैं, पर जो द्वंद्व तथा अज्ञान के कारण मोहग्रस्त हैं वे यह सोचते हैं कि भगवान भौतिक अपरा शक्तियों द्वारा उत्पन्न होते हैं। यही उनका दुर्भाग्य है। ऐसे मोहग्रस्त व्यक्ति मान अपमान, दुख सुख, स्त्री पुरुष, अच्छा बुरा, आनंद पीड़ा जैसे द्वंद्वों में रहते हुए सोचते रहते हैं, यह मेरी पत्नी है, यह मेरा घर है, मैं इस घर का स्वामी हूँ, मैं इस स्त्री का पति हूँ। ये ही मोह के द्वंद्व हैं। जो लोग ऐसे द्वंद्वों से मोहग्रस्त रहते हैं वे निपट मूर्ख हैं और वे भगवान को नहीं समझ सकते। हरे कृष्णा।